हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, फाइनली मैं लेकर आया हूँ यामा एफजेड 250 बीएस 6 मॉडल। ये एफजेड एस है गाइस, बहुत लेट हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये बाइक अवेलेबल नहीं हो रही थी। अब फाइनली हमारे यहाँ शोरूम में ये बाइक अवेलेबल हो चुकी है, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में एफजेड 250 बीएस 6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जानेंगे, साथ में बात करेंगे इस बाइक के बारे में कि क्या ये बाइक बेटर है 250 सीसी सेगमेंट में या नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इस बाइक का कंप्लीट प्राइस स्पेसिफिकेशन भी बताने वाला हूं, साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस बाइक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एंड जनरली आप लोग जानते हैं कि यामा की जो गाड़ियाँ होती है काफ़ी बेटर होती है, वैल्यू फॉर मनी होती है, और इनका जो इंजन होता है वो काफ़ी बेटर होता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं यामा एफजेड 250 बीएस 6 मॉडल के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा। क्योंकि यार, अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं, हम अपने बजट के बारे में ही सोचते हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को प्राइस के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने ऑल स्पेसिफिकेशन रखता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एफजेड एस है। इसमें दो वेरिएंट आती है, एक एफजेड नॉर्मल आती है, एक एफजेड एस आती है। ये टॉप वेरिएंट है। जो ये एफजेड एस जो टॉप वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,57,000 रुपये इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है। वही दोस्तों बात कर लेंगे इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस जो होते हैं उसमें भी थोड़े डिफरेंस होते हैं। तो ये बाइक हमारे यहाँ 1,80,000 से 1,85,000 रुपीज़ के बीच में हमें ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के इसका क्या ऑन रोड प्राइस है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 2 वॉल्वो इंजन इस बाइक में दिया गया है। 249 सीसी का इंजन यूज़ किया गया है, जनरली हम इसे 250 सीसी के नाम से जानते हैं। बात करेंगे दोस्तों इसके पावर एंड टॉर्क के बारे में। इस बाइक में 20.8 का PS पावर है, जो कि 8000 RPM पे पावर जनरेट करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 20.1 का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 6000 RPM पे पावर जनरेट करता है। कहीं ना कहीं बाइक में पावर एंड टॉर्क मुझे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि 200 सीसी गाड़ियाँ अवेलेबल है मार्केट में जिनका पावर इससे ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इसमें पावर थोड़ा ज़्यादा होना था। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिज़ाइन किया गया है, कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड है, तो ये भी एक चीज मुझे बेटर नहीं लगी। आप देखो R15 V3 150 है, लेकिन उसमें लिक्विड कूल्ड है, ठीक है, तो इसमें कम से कम भाई लिक्विड कूल यामा को डिजाइन करना था कहीं ना कहीं। ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है, स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन है, किक का ऑप्शन नहीं है। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। क्लच में वेट मल्टी डिस्क क्लच है, ट्रांसमिशन मैनुअल है, गियरबॉक्स 5-स्पीड गियरबॉक्स इस बाइक में प्रोवाइड किए हुए हैं। वही दोस्तों इस बाइक की जो बोर है वो 74 mm की है, एंड बाइक की जो स्ट्रोक है वो 58 mm की है। नॉर्म्स टाइप, एमिशन टाइप, ऑब्वियसली BS6 मॉडल। तो ये था दोस्तों बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन। मुझे 250 सीसी के हिसाब से ना इस बाइक को उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया मेरे हिसाब से। ना तो बाइक में लिक्विड कूल है, ना तो बाइक में 6th गियर है, ना तो बाइक में स्लीपर क्लच है,
तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। 250cc गाड़ी है, 250cc गाड़ियों में ये सब चीज़ें होना ही चाहिए। 250cc मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। जब आप 150cc गाड़ियों में अपनी R15 V3 में MT15 में लिक्विड कूल दे रहे हो, 6 गियर दे रहे हो, तो इसको 250cc में आप ऐसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हो भाई। मेरे हिसाब से इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फीचर एंड सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्पेशल सेफ्टी के बारे में, तो वो आपको इसमें मिलता है ABS। ABS में दोस्तों इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS दिया गया है, जी डुअल चैनल ABS इस बाइक में डिज़ाइन किया गया है। वही बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर के बारे में। इसका जो स्पीडोमीटर आपको FZ ही की तरह देखने को मिलता है, जी जो आपकी 150 FZ आती है वैसा ही मिलता है। फुली डिजिटल मीटर इस बाइक में दिया गया है। और वहीं दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि बैटरी नहीं है इसमें, इस वजह से हम इसे ऑन नहीं कर पाए। स्पीडोमीटर डिजिटल, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर है, क्लॉक है, ABS की लाइट है, फ्यूल गेज भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, ये फीचर्स भी आपको इस बाइक में डिज़ाइन किए हुए हैं। जब जनरली स्पीडोमीटर इसका काफ़ी बेटर है, लेकिन अगर इसमें MT15 और Yamaha V3 में जो स्पीडोमीटर मिलता है वैसा स्पीडोमीटर डिज़ाइन किया जाता तो कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा बेटर हो जाती। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक की जो चेसिस टाइप है वो डायमंड टाइप है। जनरली Yamaha की गाड़ियों में डायमंड टाइप चेसिस ही Yamaha यूज़ करता है। बॉडी टाइप स्पोर्ट नेकेड बाइक है, जैसे R15 फुली स्पोर्ट बाइक है तो ये एक स्पोर्ट नेकेड बाइक है। बात कर लेंगे इसके सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं, रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिए गए हैं। इस बाइक के जो सस्पेंशन है काफ़ी बेटर है। और बाइक में आपको एक चीज़ काफ़ी बेटर लगी कि बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2015 mm की है। बाइक की जो वीथ है वो 775 mm की है। बाइक की जो ओवरऑल हाइट है वो है 1075 mm की। एंड बाइक की जो सीट हाइट है वो है 795 mm की, जहाँ 795 mm की इसकी सीट हाइट है। यानी कि अगर आपकी हाइट 5.4 या उससे ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। वहीं बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 14 लीटर की, एक बार में आप इसमें 14 लीटर पेट्रोल फिल करा सकते हो। बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो 160 mm की है। एंड बाइक की जो व्हील बेस है वो है 1360 mm की। वही बाइक का जो कर्व वेट है वो है 153 kg का। जी हाँ, इस बाइक का जो वेट है वो मुझे काफ़ी लाइट लगा कंपैरिजन 250। इसका जो वेट है वो है 153 kg। बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल्स में इस बाइक में काफ़ी डिज़ाइन किया गया। नया BS4 में ये सेटअप नहीं आता था, BS4 में नॉर्मल आती थी, लेकिन अब इसमें आपको LED सेटअप विद प्रोजेक्टर लाइट मिल गई है। छोटी सी प्रोजेक्टर लाइट आप देख ही रहे हैं। हेडलाइट में LED प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, टेल लाइट भी आपको LED मिलती है, टर्न सिंगल लैंप भी काफ़ी बेटर है। बैटरी कैपेसिटी में 12 वोल्ट की 6 AH की बैटरी दी गई है, साथ में लो फ्यूल इंडिकेटर भी इलेक्ट्रिकल्स में इस बाइक में देखने को मिल जाता है। वही बात कर लेते हैं इसके टायर साइज एंड ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेंगे टायर साइज के बारे में। टायर साइज में फ्रंट में 180 का टायर दिया गया जो कि 17 इंच व्हील है। जी हां, फ्रंट टायर में जो यूज किया गया है वो 100cc का जो कि 17 इंच टायर है। रियर में 140/70 का टायर यूज किया गया है, 140/70 का टायर रियर में यूज किया गया जो कि 17 इंच टायर है। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर दिया गया है, व्हील टाइप में अलॉय व्हील है। बात कर लेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो पहले मैंने आपको बताया था स्पेशल फीचर में इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एंड डिस्क में दोनों साइड डिस्क मिलता है। फ्रंट में 282 mm की डिस्प्ले दी गई है, जी 282 mm की डिस्प्ले फ्रंट में यूज़ की गई है। एंड रियर में जो डिस्क यूज़ की गई है वो 220 mm की, जी 220 mm की प्लेट रियर में यूज़ की गई है। तो ये था दोस्तों Yamaha FZ250 BS6 मॉडल का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को बाइक कैसी लगी एंड रिव्यू कैसा लगा। कहीं देखिए जो बाइक है ना वो काफ़ी बेटर है, नो डाउट। Yamaha की जो गाड़ियाँ होती है काफ़ी मजबूत होती है, इंजन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट मुझे बाइक में ना थोड़ी पावर की कमी लगी है, क्योंकि यार 250cc के हिसाब से बाइक में पावर काफ़ी कम है। आप 150 Yamaha V3 में 18.5 का पावर दे रहे हो, तो एक बात बताओ क्या 250 गाड़ियों में 20 BHP होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू कम से कम 250 गाड़ियों में 25 BHP होना चाहिए या उससे ऊपर ही होना चाहिए। 25 BHP के नीचे होना ही नहीं चाहिए 250 गाड़ी में। लिक्विड कूल होना चाहिए, साथ में 4 वॉल्व होना चाहिए, स्लीपर क्लच भी होनी चाहिए बाइक में। ये सारे चीज़ें डिज़ाइन करके इस बाइक को अगर लॉन्च किया जाता तो ये बाइक काफ़ी चलती। और इस बाइक का मार्केट में नहीं चलने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बाइक का पावर और काफ़ी कम है, और बाइक का लुक भी मुझे उतना खास नहीं लगता 250cc के हिसाब से। अगर आप डोमिनार 250 लोगे, ड्यूक 250 लोगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, इनकी जो पावर है कुछ अलग ही, उनका लुक भी काफ़ी अलग है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इसमें Yamaha को ध्यान देना चाहिए। बाकी ओवरऑल Yamaha का जो इंजन होता है काफ़ी मजबूत होता है, आई एग्री। बाकी इसमें अगर ये सब चीज़ें डिज़ाइन करके बाइक को उतारा जाएगा तो बाइक की सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ अपने बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।